भारत जिसका इतिहास और संस्कृति, कभी भी जब वह देश जिसने युद्ध नहीं किया है, आक्रमण नहीं किया है, वो देश जहां अहिंसा के दूत महात्मा गांधी पैदा हुए थे, वो देश जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप न मिले उसको 70 साल। सुनिए महामहिम नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला है कि भारत ऐसा देश है जो कभी युद्ध नहीं किया है, जो कभी आक्रमण नहीं किया है, उनका इतिहास में ऐसा है वो बता रहा है। लो झूठी सही मान लें तो चीन के साथ क्या हो रहा है सदियों से, पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, युद्ध नहीं हुआ तो आक्रमण नहीं है तो बाप रे ऑन द स्पॉट इतना झूठ बोल दे, झूठ का खेती करता उधर का मीडिया तो झूठ का खेती करता है, हम सह रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री भी जो हम लोग इतना रिस्पेक्ट करते थे, इतना विश्वास करते थे, और वो स्टेटमेंट दिया था उन्होंने कि ऐसा देश की महात्मा गांधी पैदा हुआ है, ऐसा देश की गौतम बुद्ध वहाँ पैदा हुआ है। इफ गौतम बुद्ध वॉज बर्न इन इंडिया देन एब्सोल्युटली राइट राम वॉज बर्न इन नेपाल एंड अयोध्या इज इन नेपाल। यदि गौतम बुद्ध रातों रात भारत में इंडिया में पैदा हो सकता है तो इधर भी पैदा हो सकता है ना राम, उधर पैदा हो सकता है तो इधर नहीं पैदा हो सकता है क्या, इधर भी पैदा हो सकता है राम। तो झूठ बूट का स्टेटमेंट, उल्टा पुल्टा स्टेटमेंट कैसे किया जाता है, कैसे दिया जाता है, तो इंडियन प्रधानमंत्री से सीखा है और इंडियन मीडिया से सीखा है। तुम लोग दे सकते हो, तुम लोग झूठ बोल सकते हो, तुम सब कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल सकते हो, तो तुम्हारे ही भाषा में तुम लोग को जवाब दो तो तुम लोग को बुरा लगता है। बोलते कि नहीं, किसी स्वविवेक से नहीं बोला है, स्वबुद्धि से नहीं बोला है कि किसी के देश के इशारा में अपना ओपिनियन रख रहा है। तो जब प्रधानमंत्री महामहिम दारीवाला अंकल बाबा नरेंद्र मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया था और बोला था, एक स्पीच में बोला था कि गौतम बुद्ध वाज बर्न इन इंडिया, तो किसके इशारे में बोले थे? क्या ट्रम्प ने सिखाया था कि दारीवाला अंकल को जाओ बोलो जाकर उधर कि बोलो गौतम बुद्ध वाज बर्न इन इंडिया, जबकि सारा दुनिया सारा विश्व जानता है गौतम बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल कपिल वस्तु। अभिव्यक्ति का आजादी इतना भी मत रखो, लोकतंत्र के इतना मिस यूज मत करो, शर्म भी शर्मा जाएगा। जो इतना सामान्य पद, इतना गरिमाय पद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गलत स्टेटमेंट दिया था कि गौतम बुद्ध वाज बर्न इन इंडिया, इतना बड़े पद में रहकर जो हम लोग रिस्पेक्ट करते थे, तो किस हिम्मत से उसका नैतिकता को शोभा देता था क्या सब बोलने के लिए? तो उसी चीज को उसको जवाब मिला, इफ गौतम बुद्ध वाज बर्न इन इंडिया देन डेफिनेटली राम वाज बर्न इन नेपाल, उधर पैदा हो सकता है तो इधर भी पैदा हो सकता है ना, तो टीट फटे अच्छा है, जैसा करोगे वैसा मिलोगे।